इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट शेयर करने वाला हूँ। हम सभी को फोर्ड और महिंद्रा की जेवी के बारे में मालूम है और फोर्ड के कार्स के बारे में भी मालूम है कि करेंटली जो है फोर्ड एज सच बहुत ज्यादा कुछ नए कार्स जो है हमारे मार्केट में लॉन्च नहीं कर रही है, लेकिन आने वाले साल में शायद ये चीज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट फोर्ड और महिंद्रा जो है डेवलप कर रही है एक साथ मिलके। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहो क्योंकि इस वीडियो के एंड तक जो है आपको इस नए अपकमिंग कार के बारे में सभी चीजें जो है मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि फोर्ड और महिंद्रा के जॉइंट वेंचर के बाद डिक्लेयर किया गया था कि फोर्ड और महिंद्रा जो है तीन नए एसयूवीज पे काम करेगी जिसको इंडिया में स्पेसिफिकली लॉन्च किया जाएगा और साथ में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भी डेवलपमेंट में जो है ये दोनों कंपनीज एक साथ काम करेगी नए प्लेटफॉर्म्स और नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डेवलप करने के लिए। लेकिन एक और अभी न्यूज जो है सामने निकल के आई है वो ये है कि फोर्ड एक नई एमपीवी भी तैयार करेगी सिर्फ इंडिया में लॉन्च करने के लिए और ये जो एमपीवी है डायरेक्टली कम्पीट करेगा अर्टिगा के साथ। अर्टिगा जो है करेंटली मार्केट लीडर है, हम किसी और दूसरे कार्स की भी बात कर ले इस सेगमेंट में अर्टिगा से ज्यादा जो है कोई भी कार करेंटली सेल्स के टर्म्स में आसपास भी नहीं आती है। लेकिन फोर्ड का जो है मानना है कि वो अपने कार्स के साथ इस सेगमेंट में जो है कुछ नया जो है ला सकती है और सेल्स के टर्म्स में भी जो है डेफिनेटली उनको फायदा मिलने वाला है। अब ये कार स्पेशल क्यों है? क्योंकि फोर्ड जो है इस कार को डेवलप करेगी मराजो के प्लेटफॉर्म में। मराजो का जो प्लेटफॉर्म है वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और मराजो एज एन एमपीवी भी जो है काफी स्पेशियस और काफी अच्छा निकल के आया है। लेकिन ये एज सच नहीं कि मराजो पे बेस्ड कार है तो यहाँ पे हमें जो है सिर्फ रीबैजिंग देखने को मिलेगी कि महिंद्रा के मराजो को फोर्ड उठाकर उसमें जो है फोर्ड की बैजिंग करते हैं ना, ऐसा नहीं होने वाला। होने वाला क्या है कि मराजो के लैडर फ्रेम को यूज किया जाएगा, पूरी नई बॉडी स्टाइलिंग दी जाएगी, नए इंटीरियर्स दिए जाएंगे और ओवरऑल एक बिल्कुल फोर्ड के जो डिज़ाइन लैंग्वेज पे बेस्ड प्रोडक्ट को तैयार किया जाएगा। लेकिन जहां तक बात है पावर ट्रेन्स की, तो पावर ट्रेन्स जो है यूज़ किया जाएगा महिंद्रा मराजो का 1.5 लीटर डीजल इंजन। अब ये जो डीजल इंजन है दोस्तों ऑब्वियस ही बात है क्योंकि अगले साल आएगा तो ये एक BS6 वेरियंट होगा, तो थोड़ा सा जो है पावर फिगर्स वगैरह हम चेंज या डिफरेंट स्टेट ऑफ ट्यून में जो इस इंजन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंजन जो है ये ही महिंद्रा का 1.5 लीटर लिया जाएगा। और ऑब्वियस ही बात है जो गियर इंजन भी लेगी, प्लेटफॉर्म ले रही है, तो गियर बॉक्सेस भी जो है हमें वही सेम 6-speed मैनुअल और एक AMT ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन फोर्ड जो है अपने हिसाब से इस पूरे कार को एक्सटेंसिवली री इंजीनियर करेगी, नए सस्पेंशन सेटअप वगैरह जो है फोर्ड अपने हिसाब से डेवलप करेगी ताकि इस कार को जो है थोड़ी और फोर्ड टाइप जो है बनाई जा सके। नया डिज़ाइन होगा, नया इंटीरियर होगा, नए फीचर्स होंगे और फीचर्स की भी अगर हम बात कर ले तो इसमें जो है फोर्ड अपने जो सिंक इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह है उन सारी चीज़ों को जो है इनकॉर्पोरेट करेगी। और अगर हम देखें तो ये कार जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट निकल के हमारे सामने आएगा। अर्टिगा, मराजो ये सारे जो है सेम सेगमेंट में है, लेकिन अर्टिगा को कम्पीट करने के लिए फोर्ड जो इस कार को बनाएगी तो इसमें हम सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और कहीं ना कहीं थोड़ी और प्रीमियमनेस भी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप फोर्ड की ये नई मराजो पे बेस्ड एमपीवी को लेना पसंद करेंगे? अपने ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आप बताना कि आपको ओवरऑल फोर्ड की कार्स कैसी लगती है। विद दैट गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज आस्क नो सीटनेस एंड ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।